साथियों, पहले तो बधाई देते हैं एलआईसी के इंश्योरेंस सेक्टर के सारे देश में जहां जहां इसका एस्टैब्लिशमेंट है, करीब 100% कर्मचारी ये दो दिन का हड़ताल में हिस्सा ले रहा है। आज तो करीब सारे इंश्योरेंस दफ्तर बंद है। ये हम सीआईटू का तरफ से आपको बधाई देते हैं, लेकिन ये कोई नए बात नहीं है जो आप हड़ताल करते हैं। कल से नया बात है, ये तो आपको पहला हड़ताल नहीं है। देश के मजदूर आंदोलन जब भी सामूहिक संघर्ष की बीड़ा उठाया, सबका पहले वो अपने साथ में मिला एलआईसी कर्मचारियों को। पहला हड़ताल से ये 18वां हड़ताल है, 18th हड़ताल है। ये जो नए उदारवादी देश को बेचने वाले जो आर्थिक नीति है, ये नीति के खिलाफ हमने जब संघर्ष के यात्रा शुरू किया था नए सिरे से 1991 से, आज तक 18वां हड़ताल है। अरे 18वां हड़ताल में भी हमारे एलआईसी के साथी पहला हड़ताल से पूरा ताकत के साथ शामिल हुआ, और आई थिंक ऑलमोस्ट इन ऑल द स्ट्राइक द टैली इज 80-90%। सो कोई नए बात नहीं, लेकिन आप इस मौके पर आपको सामने आके बताना चाहते हैं, जो सारा देश में भी एक बदलाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, आप अकेला नहीं है मैदान में। अभी तक सारे देश से जो रिपोर्ट मिला, ये दो दिन का हड़ताल के पहला दिन अभी तक सामूहिक रूप में व्यापक रूप में सफल रहा। कोई राज्यों में तो बंद जैसा स्थिति बन चुका है, जैसा असम, जैसा उड़ीसा, अभी तक जो सूचना मिला बंद जैसा स्थिति बन गया है कई राज्यों में, और बहुत सारे राज्यों में, कम से कम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में बंद का परिस्थिति है। बॉम्बे जैसा देश के कमर्शियल कैपिटल, बेस्ट के सारे बॉस एक भी उतरा नहीं, सारे कर्मचारी हड़ताल में आ गया। ये नई बात है, पहले लास्ट स्ट्राइक में वो नहीं था, आ रहा है। किसी के ना किसी को पहल कदमी करना पड़ता है मजदूर आंदोलन में, और ये पहल कदमी से सीखते हुए दूसरे सेक्टर के मजदूर भी संघर्ष के तरफ आकर्षित होता है और ज्वाइन करते हैं। ये पहल कदमी वाला हिस्सा तो एलआईसी का था, जिससे बाकी ट्रेड यूनियन के साथ, और हम आपको बोलेंगे जो आपको ये पहल कदमी करने वाली जो रोल है वो अभी रिजल्ट दे रहा है। देश के आम मजदूर हड़ताल में उतर चुका है। कुछ मीडिया बोल रहा है, सुबह से अगर कोई देखे, उसका एस्टीमेट है 20 करोड़ के ऊपर मजदूर ये हड़ताल में भाग ले रहा है, कोई कम बात नहीं। और इसी परिस्थिति में संघर्ष जारी है, काल भी हड़ताल है बहुत सारे जगह में देश भर। और एक बड़ा बात यह है, जो ये नया उदारवादी नीति के खिलाफ, देश को बेचने वाले नीति के खिलाफ हम जब संघर्ष के यात्रा शुरू किया था, इस दौरान 18वां हड़ताल के श्रृंखला में अभी सिर्फ मजदूर नहीं, पिछले 4-5 साल से समाज के दूसरा हिस्सा भी सड़क पे आना शुरू कर दिया। और इस हड़ताल की विशेषता यह है, जो आज सुबह से जगह जगह में रेल रोको रास्ता रोको चल रहा है, और रेल रोको रास्ता रोको में भागीदारी करने वाले हमारे असंगठित क्षेत्र का मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, ये लोग भी सड़क पे आ पड़ा है। पहले जब मजदूर आंदोलन ये समझदारी में पहुंच गया था, जो ये जो नए नीति, ये देश को बचाएंगे नहीं, देश को खत्म कर देंगे,
नए रोजगार बनेगा नहीं, जो रोजगार में रहने वाले लोग वो रोजगार खोएंगे, नए इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भाग जाएंगे, हम जो उत्पादन के ताकत बनाया पिछले 70 साल के आजादी के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के जो लाइन लिया है मोदी सरकार ने, उसको अगर रोका ना जाए हमारे भविष्य प्रजन्म के लिए कुछ बचेंगे नहीं। ये संघर्ष के ये महत्व है। ये समझदारी एलआईसी के मजदूर आंदोलन बहुत पहले से हासिल कर लिया, और मान के चलिए एलआईसी का ढांचा जो अभी तक जो बचा है वो संघर्ष के जरिए बचा है, कोई दया करके बचाया नहीं। एक पर एक सरकार आया, लाइन था प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन टच नहीं कर पाया एलआईसी को। काहे एलआईसी का मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन एक कमिटेड पहरादार जैसा संघर्ष के जरिए इसको पहरा देते रहा, इसलिए बचा हुआ है। और अभी इसी से सबक लेते हुए जनता के बाकी आम हिस्सा मजदूर छोड़ के भी वो भी सड़क पे आना शुरू हो गया है, और ये 2 दिन का हड़ताल सिर्फ मजदूरों को आंदोलन नहीं रहा, ये जनता का आंदोलन बन चुका है। और ये संघर्ष के मुद्दा सिर्फ मजदूरों को अधिकार मांग का बात नहीं है, एक ही साथ मजदूर अपने अधिकार को रक्षा करते हुए देश को भी रक्षा करने का बीड़ा उठाया, इसीलिए हड़ताल है। हमारे हड़ताल के जो डिक्लेरेशन जिसमें हम बताया था अगेंस्ट द एंटी वर्कर, एंटी पीपल एंड एंटी नेशनल पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, क्या हो रहा है? अब इंश्योरेंस क्षेत्र में है, इंश्योरेंस का क्षेत्र का अगर मिसाल दिया जाए, लाइफ सेक्टर को तो अब बचा के रखा है, कोई टच नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे एल्योरमेंट, बहुत सारे कंसेशन दिया गया प्राइवेट एलआईसी कंपनीज को, विदेशी कंपनी को साथ पार्टनरशिप करते हुए, लेकिन अभी भी एलआईसी के मार्केट शेयर एलआईसी बचा के रखा, विदेशी कंपनी उतना, प्राइवेट कंपनी उतना बिजनेस कर नहीं पाया। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में भी हालत ऐसा है, इसीलिए है कहे आपका संघर्ष है, इसीलिए है जो आपका इंश्योरेंस का जो काम वो जनता को लूटने के लिए नहीं, जनता को सर्विस देने के लिए है, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जनता को लूट रहा है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में जब सेटलमेंट रिजेक्शन रेशियो 3 से 4% ज्यादा नहीं होता है, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में रिजेक्शन रेशियो 25-40% है, प्रीमियम देगा लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा। और इसी के जरिए अभी एक एनडीए सरकार ने देश के आम जनता को हेल्थ केयर देने का प्ली लेकर अभी आयुष्मान भारत किया, और जिसका टारगेट है सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, कुछ जनरल इंश्योरेंस को भी मिलेगा लेकिन टारगेट है वो लोग, इसका प्रीमियम देगा सरकारी खजाना से 10 करोड़ परिवार को हेल्थ केयर देने के लिए, कितना प्रीमियम हो सकता है अंदाजा लगाइए, सरकारी खजाना से प्रीमियम जाएगा। ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कोई मार्केटिंग के लिए कोई बीरा नहीं, कोई तकलीफ उठाना नहीं होगा, बने बनाए बिजनेस। और सेटलमेंट जब होगा, अगर हिसाब जोड़ लीजिए, अगर 25 से 40% रिजेक्शन रेट रहेगा प्रीमियम का, 25 से 40% उसका प्रॉफिट रेट होगा, मतलब जनता का पैसा लूटने का एक बड़ा इनोवेटिव प्रक्रिया। क्यों हम ये बोल रहे हैं, ये प्रमाणित है, जो फसल बीमा योजना किया कुल मिला के 20% भी सेटलमेंट नहीं हुआ, एक साल में 21,000 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया,
4000 करोड़ का भी सेटलमेंट नहीं हुआ इंश्योरेंस क्लेम, कितना मुनाफा है। नया तरीका है, कहे कंपटीशन में एलआईसी जनरल इंश्योरेंस से वो टिक नहीं पा रहा है, कंपटीशन में नहीं टिक पा रहा है तो उसको दरवाजा खोलो, आउट ज्यादा लूट पाए जनता को, नए दरवाजा निकाल रहा है। इतना भयंकर कॉन्स्पिरेटोरियल जो पॉलिसी है ये देश को खत्म करने के लिए है, सिर्फ एक कंपनी का बात नहीं, और इसी के खिलाफ हमारे ये दो दिन के संघर्ष है और आगे भी संघर्ष चलेगा, इसके साथ खत्म नहीं होगा। और सिंस ये दो दिन का हड़ताल में अभी जन मजदूरों को दूसरा मजदूर छोड़ के भी जनता का समाज के दूसरा हिस्सा भी शामिल हो रहा है सक्रिय रूप में, रेल लोग को रास्ता रोको करते हुए, जुलूस करते हुए स्ट्राइक के समर्थन में, सारे देश में, सारे जिले और डिस्ट्रिक्ट में जब हो रहा है, ये पीपुल्स मूवमेंट बन चुका है और आगे भी इसको शिकस्त देना जरूरी है, कहे इसी को हाथ में बागडोर रहेगा तो देश को बचाना मुश्किल है, बागडोर इसको हाथ से छीन लेना होगा। तो साथियों, हड़ताल के साथ साथ ये काम भी आपको है, समाज के अंदर अब रहते हैं, लोगों को ये समझाना है आगे का संघर्ष। हम एक दो दिन का हड़ताल हो जाने का बाद तुरंत केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बैठ के हम दूसरे चरण का जो कुछ कार्यक्रम हम घोषणा करने जा रहा है, का एक लगातार कंटिन्यूटी रखना जरूरी है, जिसका शुरुआत हुआ था इस दौरान तीन दिन का महापड़ाव में, जिसमें भी आपको तगड़ा भागीदारी था एलआईसी कर्मचारियों को। उसके बाद 5 सितंबर का मजदूर किसान रैली, उसके बाद ये दो दिन के हड़ताल, उसका बीच में किसानों का मार्च दिल्ली में, और अभी ये दो दिन का हड़ताल आगे भी चलते रहना चाहिए। ये समझदारी लोगों को पास ले जाने के लिए, अगर बचाना है तो पॉलिसी अपनाने वाले का खिलाफ और पॉलिसी का पीछे जो राजनीति है उसको समझते हुए उसको खिलाफ मजदूर आंदोलन को चट्टानों जैसा खड़ा होना चाहिए, जो उसको हम पास करने नहीं देंगे। यही हथियार है, इसी का चलते अभी भी देश के 90% पब्लिक सेक्टर हम बचा के रख पाया। 2014 में मोदी आने के बाद वो 10 पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्ट कर लिया था जो उसको बेचेंगे उठा के, आज का डेट में एक भी बेच नहीं पाया। आपको घर का बगल में सीएल है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साहिबाबाद में, 4 दफे टेंडर दिया, 4 दफे उसको एक्सटेंड किया, कोई खरीदार नहीं आया। क्यों? कहे पिछले 70 दिनों में लगातार सीएल का मजदूर गेट पे बैठा है धरना में, रिले धरना में, और ये चेतावनी दिया है कंपनी को और कंपनी का थ्रू में सरकार को, अगर कोई भी खरीदने के लिए इंस्पेक्शन करने में भी आएगा उसको हम दोबारा दिखाई नहीं देगा साहिबाबाद अंचल में। मजदूरों ने खुलेआम ऐलान किया, और सिर्फ सीएल का गेट में नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का दफ्तर राफी मार्ग में है, उसी गेट में आके भी ऐलान करके गया, और आज 100% ऑफिसर समेत हड़ताल में है, बेच नहीं पाया। 10 पब्लिक सेक्टर कंपनी को टारगेट किया था बेचने के लिए, सारे में एक ही कहानी हुआ, मजदूरों ने उतर गया, खरीदने वाला दूर से देखते रहा, जो हम पैसा डालेगा पानी में तो ना चला जाए, यही रास्ता है। जब हम मंत्रियों को समझा के बुझा के बंद नहीं कर सकता है तब तरीका एक ही आता है, हम समझाने का कोशिश किया, काफी ज्ञापन दिया संसद में, हम बार बार उठाया मुद्दा, हम समझा नहीं पाया, वो वही रास्ते में चलने रहा। तो जब चलने रहा तब तो एक ही वो कहावत को इस्तेमाल करना है, जो लाठों का भूत भूत बातों में मरने वाला नहीं है, तो अगर बातों में हम मनाया नहीं पा रहा है तो लाठों का इस्तेमाल करना है। ये दो दिन का हड़ताल देश के 20 कोटी मजदूरों को ऐसा एक जबरदस्त लात, जिसको 7
और 20 करोड़ किसान स्टूडेंट बाकी हिस्से का समाज के लोगों को समर्थन है, 40 करोड़ लोगों को एक्शन है ये दो दिन का हड़ताल, और यही रास्ता है हमारे साथ, ये भरोसा के साथ जो हम जीतेंगे जरूर। अभी तक बचा के रखा है हमारे इंस्टीट्यूशन को, आगे भी हम जीतेंगे जरूर, और इंस्टीट्यूशन को बचा के जब रखेंगे हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी भी अटूट रहेंगे, हम अपने मांग भी गर्दन पकड़ के हासिल कर लेंगे। हमारा एक्शन में कमजोर हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव बार्गेन का कैपेसिटी भी कमजोर हो जाएगा, सीधा सीधा संपर्क है। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का समझदारी है। हम दोबारा आप सबको बधाई देते हुए LIC का आंदोलन देश के मजदूर आंदोलन के एक भारी ताकत है, एक बड़ा हिम्मत जुगाने वाले आंदोलन के एक स्रोत है। हम लाल सलाम करते हैं हर LIC कर्मचारियों को आपको माध्यम में। पहले से आपका रोल था पहल कदमी करने वाले रोल, वो पहल कदमी करने वाले रोल आप बखूबी निभाया, और देश को मजदूर आंदोलन को अभी इतना ताकत में आप उभार के लाया, इसमें आपका भी योगदान है। हम दोबारा आप सबको लाल सलाम देते हुए काल भी हड़ताल चलेंगे, सारे देश भर इसको अटूट रखिए, और आगे का संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। हमको कोई हरा नहीं सकता है, मजदूर वर्ग को कोई हरा नहीं सकता है, वो आगे पीछे करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन अल्टीमेटली हम आगे ही जाएंगे। क्यों ना, मजदूर कर्मचारी इस देश को जिंदा रखता है। लाला लोग जिसका पास पैसा है, पैसे का बंडिलों पर फैक्ट्री में सामान नहीं बनते हैं जब तक मजदूरों को जान उसमें जोड़ा नहीं जाता है। LIC का सर्विस, देश के लाइफ इंश्योरेंस के नेटवर्क, वो मंत्रियों ने डिसीजन करके चालू नहीं कर सकता है जब तक LIC कर्मचारी अपने दिमाग अपने जान अपने मेहनत उसके जोड़ता नहीं है, तभी LIC बना हुए है। तो ये हम चला रहा है, ये एहसास मजदूर कर्मचारियों को अंदर, हम अगर सारे को अंदर पैदा कर पाएंगे, हम ऐसा उठा के फेंक पाएंगे इसको, और उसी दिशा में हमको चलना है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।